हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे व्हाट इज प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर, इट इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू एन एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ पे प्रेशर क्वांटिटी जो है उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। A pressure transducer measures pressure. It uses sensor capable of converting the pressure acting on it into electrical signals. तो यहाँ पे sensors use किए जाते हैं इस pressure transducer में, जो कि pressure को electrical signals में convert कर सके. These electrical signals are then relayed to controllers or PLCs where they are then processed and recorded. जो भी प्रेशर है वो जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे आगे इस प्रेशर ट्रांसड्यूसर को आगे पीएलसीस या फिर कंट्रोलर्स कनेक्ट किए होते हैं, जो कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं और हमें डेटा देते हैं। प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स यूज स्ट्रेन गेजेस टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। द स्ट्रेन गेजेस अंडरगो डिफॉर्मेशन एंड This creates a change in voltage produced by it. तो यहाँ पे strain gauges use किए जाते हैं, जो कि under pressure जाते हैं, deformation होता है और जो भी यहाँ पे changes होते हैं उसमें से हमें voltage मिलता है। The pressure measurement is based on the degree of change seen in the voltage. There are also advanced versions of pressure transducers that use capacitance or piezoelectric sensors instead of strain gauges. तो अब नए जो transducers आ रहे हैं pressure transducer, उसमें capacitance या फिर piezoelectric sensors भी use किए जाते हैं। Old इसमें strain gauges ज़्यादा use किए जाते थे। They are chosen based on the range, work environment and precision required for the pressure sensor. तो ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम चूज करते हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्प्लेसमेंट प्रेशर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर का टाइप है। प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, उसके साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट और बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटीज को भी मेजर करता है। इट इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स एक्सटर्नल पावर फॉर ऑपरेशन। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर चेंजेस बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस लाइक ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट्स, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का, वो डिफरेंट रीजंस के लिए चेंज हो सकता है, जैसे कि ओवरलैपिंग ऑफ प्लेट, डिस्टेंस चेंज। जो दो कैपेसिटर आपको पता है उसमें दो प्लेट्स लगाई होती है, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उससे हम कैपेसिटेंस डिसाइड करते हैं। तो चेंज इन डिस्टेंस, देन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये सारे जो टर्म्स है इसके वजह से कैपेसिटेंस चेंज होता है। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंटेन्स टू पैरेलल मेटल प्लेट्स। दिस प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम which is either air material, gas or liquid. In the normal capacitor, the distance between the plates are fixed, but in capacitive transducer, distance between them varied. So, capacitive transducer में basically दो parallel plates होती है, जैसे कि हम देखते हैं capacitor में दो plates होती है, but normal capacitor में उनके बीच में का distance जो है वो fix होता है और इसमें वेरिएबल होता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एयर मटेरियल और गैस और लिक्विड होता है। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजेस द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑफ कैपेसिटेंस फॉर कन्वर्टिंग द मैकेनिकल मूवमेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। द इनपुट क्वांटिटी कॉजेस चेंज ऑफ द कैपेसिटेंस विच इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यूज होती है
for converting mechanical movement into an electrical signal. The capacitors measure both static and dynamic changes. The displacement is also measured directly by connecting measurable devices to the movable plate of the capacitor. तो ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है वो हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा, एक प्लेट फिक्स होती है और दूसरी मूवेबल होती है, तो उसके जरिए हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इट वर्क्स ऑन बोथ कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग मोड्स। तो हम डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग मोड भी यूज कर सकते हैं या फिर नॉन कॉन्टैक्टिंग मोड भी। Principle of operation. Based on the principle of capacitance produced by displacement of one of the parallel plates. तो आप सभी को capacitance का formula पता है, epsilon A by D. तो इसी formula पर based है इसका principle. यहाँ पे A होता है overlapping area of plates, D होता है distance, epsilon is permittivity of medium, epsilon r is relative permittivity और epsilon 0 is permittivity of free space. Construction. तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखो दो प्लेट से टॉप प्लेट बॉटम प्लेट बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इस तरह से ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर दिखता है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट ऑफ पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट फिक्स्ड इन एन इंसुलेटिंग कंटेनर। Out of these two plates, one plate is fixed, known as static plate, another is movable, known as diaphragm. These two plates of effective capacitor are separated by dielectric. Air pressure, which is to be measured, is applied on diaphragm. तो जो आप एक प्लेट इसमें की मूवेबल है तो उस जो मूवेबल प्लेट है उस पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलती है। वर्किंग, व्हेन सर्टेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन डायफ्रेगम इट चेंजेस इट्स पोजीशन एंड मूव्स टुवर्ड्स स्टैटिक प्लेट। ड्यू टू बेंडिंग ऑफ डायफ्रेगम द डिस्टेंस डी बिटवीन द प्लेट्स गेट रिड्यूस्ड। सिंस कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेस। It can be connected to oscillator circuit to produce change in frequency when pressure is applied to it. In this way, capacitive transducer can measure pressure by producing proportional displacement of its diaphragm, causing variation in capacitance. तो यहाँ पे जब हम movable plate पे pressure apply करते हैं, तब distance कम हो जाता है उस दो plates का, और C is equals to epsilon A by D. यानी कि डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस को, तो डिस्टेंस कम हो गया यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। और इस ट्रांसड्यूसर को आगे ऑसिलेटर सर्किट लगाया होता है तो वहां से हम इस क्वांटिटी को इस चेंज को मेजर करते हैं और इस तरह से हमें आउटपुट मिलता है। द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूजेस फॉलोइंग थ्री इफेक्ट्स। Variation in capacitance of transducer is because of overlapping of capacitor plates, the change in capacitance because of change in distance between plates, and the capacitance changes because of dielectric constant. Advantages of this transducer: it requires an external force for operation, hence very useful for small system. Capacitive transducer very sensitive. It gives good frequency response because of which it is used for dynamic study. The transducer has high input impedance, hence they have small loading effect. It requires small output power for operation. और इसके अलावा ये system बहुत ही cheap भी है और easy to construct भी है. Disadvantages: the metallic parts of transducer require insulation. The frame of capacitor require earthing for reducing the effect of stray magnetic field. Sometimes transducer shows non-linear behavior because of edge effect, which is controlled by using guard ring.
The cable connecting across the transducer causes an error. Uses of this transducer: used for measurement of both linear and angular displacement, measurement of force and pressure. Used as a pressure transducer in some cases where dielectric constant of transducer changes with pressure. The humidity in gases is measured through capacitive transducer. The transducer uses mechanical modifier for measuring the volume, density, weight, etc. इस तरह से ये ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। तो आपको प्रेशर ट्रांसड्यूसर आया तो भी ये सब लिखना है, अगर सिर्फ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आया तो भी आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर का थोड़ा इंट्रोडक्शन करके कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में सब लिख सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।